दोस्तों, जब कभी भी हमें शादी या पार्टी में जाना होता है तो सबसे पहले हम अपने चेहरे को मिरर में देखते हैं और चेहरा बहुत ही ज़्यादा डल लगता है, बहुत ही ज़्यादा पूजा पूजा सा लगता है। तो बार बार मन में विचार आता है कि ऐसा कौन सा फेस पैक लगाए, ऐसा कौन सा DIY करे जिससे हमारे चेहरे पर बहुत ही अच्छा ग्लो बना रहे। तो आज जो मैं आप लोगों के साथ दोस्तों शेयर करने वाली हूँ फेस पैक, जो DIY ना, बहुत ही अमेजिंग काम करेगा। जब मेरे चेहरे पर एक अच्छा ग्लो मिल सकता है तो आपके चेहरे पे क्यों नहीं, डेफिनेटली आपके चेहरे पे भी ग्लो मिलेगा। तो चलिए इस फेस पैक को तैयार करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे टर्मरिक, जो कि स्किन ग्लो के लिए बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होता है। उसके बाद हम लेंगे यहाँ पे पोटैटो, जो कि इसमें भर भर के ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ और स्टार्च होता है। उसके बाद मैं यहाँ पे लूँगी ग्राम फ्लोर, जो कि स्किन वाइटनिंग के लिए बहुत जाना जाता है और ये एज अ क्लिंजर बहुत अच्छा काम करता है। तो चलो फटाफट से पील ऑफ कर लेते हैं पोटैटो को। दोस्तों, जैसे ही आप पोटैटो को पील ऑफ करेंगे ना, फटाफट से इसको पानी में आप डाल दो और अच्छे से वॉश कर लो, क्योंकि आलू जो है ना बहुत जल्दी काला पड़ने लगता है। उसके बाद मैं यहाँ पे इसको ग्रेट कर लूँगी। ग्रेट करने के बाद जूस को अलग बाउल में निकाल लूँगी और जो इसका क्रस बचेगा ना उसको अलग रख दूँगी और किसी चीज़ में इसको यूज़ कर लूँगी। तो चलो फेस पैक बनाते हैं। तो यहाँ पे लिया है मैंने बाउल में पोटैटो जूस और उसके बाद मैं यहाँ पे ऐड करूँगी 1 से 2 चम्मच बेसन और उसके बाद यहाँ पे बहुत ही कम पिंच यहाँ पे मैं टर्मरिक यूज़ करूँगी, क्योंकि ज़्यादा टर्मरिक यूज़ करने से चेहरा बहुत ही ज़्यादा पीला पीला लगने लगता है। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये जो है ना फेस पैक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि चूँकि बेसन और हल्दी है ये स्किन वाइटनिंग और स्किन ग्लो के लिए है। जो यहाँ पे मैंने पोटैटो यूज़ किया है, पोटैटो में ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ होता है, जो कि आपका चेहरा अगर बहुत ज़्यादा डल लग रहा है तो ये डलनेस को हटाएगा। और जो स्टार्च आलू में है ना, ये स्किन टाइटनिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। जो आप मार्केट बेस्ड प्रोडक्ट लगाते हो, ब्लीच लगाते हो ना, वो जो है ना ब्लीच लगाने से आपके चेहरा बिल्कुल भी झुलस जाएंगे। आप देखेंगे ना, आप अपनी उम्र से बड़े दिखने लगेंगे कुछ टाइम के बाद, अगर आप हमेशा मार्केट का सलून में जाके अगर आप ब्लीच करा रहे हो तो। अगर आपको बहुत ज़्यादा ब्लीच का नीड है, आप लगाना चाहते हो, तो आप पोटैटो का जूस अपने स्किन पे लगाइए। आपका चेहरा हमेशा खूबसूरत लगेगा, आपका चेहरा हमेशा जवां लगेगा। तो ये देखिए, यहाँ पे 20 मिनट हो गया है। आपको ये फेस पैक लगाने के बाद 20 मिनट तक इसको ड्राई करना चाहिए। उसके बाद मैं यहाँ पे इसको रब करूँगी अच्छे से, क्योंकि बहुत ही जेंटल रब करने से ना स्किन को भी बहुत ही अच्छा लगता है और जो ये फेस पैक है ना ये इजीली रिमूव भी हो जाता है। तो अगर आप भी इस फेस पैक को ट्राई करेंगे ना, तो आपके चेहरे पे भी बहुत अच्छा ग्लो मिलेगा। और ये फेस पैक आप लगातार 8 दिन तक लगाएंगे ना, तो सच में बहुत ही अमेजिंग ग्लो आएगा आपके चेहरे पर। तो अच्छे से रब करके फेस वॉश कर लेना है। हो सके तो आप ठंडा पानी लेके अगर वॉश करेंगे ना, तो बहुत ही अच्छा, आपको बहुत ही ताजगी, बहुत ही खिला खिला आपका चेहरा लगेगा। तो जब मेरा चेहरा अच्छा लग सकता है, खिला खिला लग सकता है, तो आपका क्यों नहीं। तो आप भी अगर 8 डेज तक कंटिन्यू करेंगे तो आपका चेहरा बहुत ही अच्छा ग्लो करेगा। और चेहरे को अच्छे से वाइप आउट कर लीजिए और एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र अपने चेहरे पर लगा लीजिए, बहुत अच्छा फील होगा आपको। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।